आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VVMI को प्रोग्रामिंग, और VVMI को प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बात करेंगे फॉर्म के बारे में। जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में एक सिंपल सा फॉर्म बताया था और आपने वैसा ही फॉर्म मुझे बना के भेज दिया बच्चों वाली, तो आज चलिए हमने एक प्रोफेशनल फॉर्म बनाया जाए। तो फॉर्म का आइडिया कहाँ से ले, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, वरना आप गूगल पे फॉर्म टाइप करें और इसकी इमेज वाले सेक्शन में चले जाए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म मिल जाएंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस फॉर्म को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी बताऊं कि अच्छा और जल्दी बनने वाले फॉर्म कौन से हैं क्या, ताकि टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। जैसे देखिए अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, ये आपकी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट का एक फॉर्म है, दिख रहा है? यस। चलिए इसी फॉर्म को हम बनाते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पे ले जाते हैं, मतलब कि हम रेफरेंस के बारे में मुझे देखना ना पड़े इसलिए मैंने इसको लिया हुआ। हाँ ठीक है। यस और एक नया हमने एक्सेल वर्कशीट लिया, फॉर्म पेज करते हैं, नहीं पेस्ट नहीं हुआ तो मैं जाता हूँ पेंट में। कभी कभी गूगल सीट से डायरेक्ट फॉर्म पेज नहीं होता, नहीं हो गया हो गया हो गया, जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हो गया। यस अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा करते हैं, दिख रहा है ना आपको, इसके लिए बॉर्डर के लिए। यस हाँ। और इसके बाद मैं इसको मर्ज करता हूँ नीचे ही करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ, मर्ज यहाँ पे लिखता हूँ, इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और मैं इसको शुरू से करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ और नीचे वाले को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देते हैं फुल नेम, फुल नेम और ये आपका रिक्वायर्ड है, फुल नेम में हमने यहाँ पे देते हैं आपका फर्स्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि स्पेस रहे बना हुआ, ये आपका यहाँ पे जाता है फर्स्ट नेम, नेम तो छोटा कर देते हैं इसको, साइज 14 नहीं 11 कर देते हैं और इसको देते हैं लास्ट नेम, इसकी भी साइज सेम इसी की तरह कर देते हैं और इसको तो सटा देते हैं इस तरह से, ओके। और इसको जो है हम
अभी फिलहाल रहने देते, खाली बस बॉर्डर दे देते हैं। और इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ मार्च करके, बड़ा ना। उसके बाद आता है फोन, और इसके लिए मैं ये मोबाइल कर देता हूँ। फोन तो अब रहा नहीं सर, मोबाइल हो गया या देता हूँ। मोबाइल नंबर भी हमारा रिक्वायर है स्टार में। उसके बाद ईमेल, और ईमेल भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना। उसके बाद एड्रेस, ये भी रिक्वायर है, और ईमेल आईडी भी रिक्वायर है। और एड्रेस में यहाँ पे हम देते हैं थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ये हमारा हो गया स्ट्रेट एड्रेस दीजिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद सेम, एड्रेस लाइन 2, स्ट्रीट एड्रेस लाइन। डेट एंड पिन, इसमें अगला ए हो गया हमारा, ठीक है। फॉर्म ये हो गया। अब इसमें अगला चीज आता है जो नीचे चेकबॉक्स दिए हुए, तो क्या चेकबॉक्स यूज कर सकते हैं? ये चेकबॉक्स यूज करते हैं, मैंने करना है या नहीं करना है इसके बारे में। तो इसको आप, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अतिक्रमण करना होगा इसमें। जैसे मान लीजिए व्हाट डे यू बेस्ट फॉर यू, तो यहाँ पे हम डेवलपर में आते हैं। इसमें क्या है, चेक बॉक्स है ना सर। तो यहाँ भी हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चेक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सर। चेकबॉक्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे कुछ जरूरत नहीं, लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिख सकते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं है। तो फिर डेटा एंट्री में दिक्कत हो जाएगा सर। तो अभी इस, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, तो इसको छोड़ कर हम इसको रेडी बटन कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं कि आप मीटिंग अपॉइंटमेंट टेलीफोन पे चाहते हैं, टेलीफोनिक चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं इन द मीटिंग रूम, दो ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये लेता हूँ, एक ग्रुप फ्रेम, ग्रुप बॉक्स, और इसको यहाँ पे डिजाइन करते हैं।
ग्रुप बॉक्स में यहाँ पे हम मीटिंग टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम उठाते हैं अपना कॉम्बो बॉक्स, ए रेडियो बटन, यहाँ पे देते हैं टेलीफोनिक। इसी को कॉपी करके हम इसके बटन में पेस्ट करते हैं, ओके यहाँ पे देते हैं मीटिंग रूम। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पे क्लिक करने से पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ J1 या J2 में हिडन रूप से हम इसका नंबर कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल में जाते हैं और सेल नेम मान लीजिए मैं दे देता हूँ J1, थ्री सेटिंग कर देता हूँ ताकि 3D इफेक्ट दिखे, और यहाँ भी मैं सेम करता हूँ 3D सेटिंग, ऑटोमेटिक आ गया J1। तो जैसे अब इस पर क्लिक करूँगा ना सर, तो देखिएगा जी वन में वन लिखा हुआ आ गया और दूसरे में क्लिक करूंगा तो टू लिखा हुआ आ जाएगा, 1 2 1 2। ठीक है, ओके यहाँ पे ओके ऑप्शन दे दूंगा चूज का, फॉर्मूला दे दूंगा चूज का, यहाँ भी दे सकते हैं वीवीओ में दे सकते हैं, वीवीओ में देखें। चलिए ठीक है, ओके अब मैं इस पे एक का ये हो गया, अब मैं इसका कलर करता हूँ, ये जो कलर है तो ये कलर बैकग्राउंड कलर, ये तो लंबा कलर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा, ये तक है ना हमारा यहाँ पर, तो इसको हाँ एच तक इस तक आई तक ही रखता हूँ मैं। इसका कलर जो है मैं यहाँ पे, इसका यहाँ भी कलर मैं यही रखता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि दोनों एक साइड में दिखे। ये जो इसमें दिख रहा है आपको, ये इस तरह से घुमा हुआ है, तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं और एक शेप लेते हैं जो चार थोड़ा सा कर लो, ये ले सकते हैं, और हम इसको नहीं ये तो काफी ज्यादा घुमा हुआ है, इसमें एक चीज और है कि पूरा कलर हमको इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं इसके सेव फॉर्मेट में आता हूँ, सबसे पहले तो इसका जो आउटलाइन है वो हटा देता हूँ, नो आउटलाइन। उसके बाद ओके जो फिल इफेक्ट है, नो फिल करने में दिक्कत हो जाएगा, फिल इफेक्ट में फिल इफेक्ट रखना है कि परसेंटेज इसका जो है ना, राइट करके मैं फॉर्मेट सेव पे आता हूँ और फिल्म में यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी है, तो हाँ इसको बुला आप देते हैं हम लोग यार। बड़ दिक्कत है कि अभी प्रिंट आउट के लिए ठीक है सर, इनपुट के लिए दिक्कत है। हाँ लेकिन इस पर हम टाइप कैसे करें, फिर इसके ऊपर फॉर्मेट आ गया ना, करेक्ट ये पर्सन हटा देते हैं। और यहाँ पे ये कलर जो मैं दिया वो सही है, कलर रखते हैं, बस इसमें जो एक कर्सर है इसकी बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ, वाइट करना जरूरी है ताकि पता चले कि आखिर टाइप कहाँ कहाँ करना है।
है। यस ना, ओके उसके बाद बटन वगैरह मैं बना लूंगा, बटन में फिलहाल हटा देता हूँ। बटन अगर मैं एक अच्छा बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं शेप से लेके इसी से बटन बना सकता हूँ। इसलिए मैं इसको लेता हूँ यहाँ पे। बटन मैं लिख देता हूँ सेव तो, हाँ इसकी फॉर्मेट जो है रख देता हूँ। साइज बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हैं आप इस पे। ठीक है, बात आती है इसकी डेटा एंट्री करने की। तो चलिए ये हमारा फॉर्म हो गया, हमारा फॉर्म तैयारी हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें ग्रिड लाइन हटा देता हूँ इसका। पेज लेआउट में गया, इसकी ग्रिड लाइन को अनचेक कर दिया और इससे आगे की जो चीज़ें हैं उसको हाइड कर देता हूँ ताकि सिर्फ मेरा फॉर्म दिखे। ठीक है, इसको भी राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। ये आपका फॉर्म आ गया। अब मुझे इस पे सिर्फ फॉर्म के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ओके उसके बाद मैं इसकी यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये हमारा डेटा हो गया। अब डेटा में ये जो फील्ड्स है सारे फील्ड्स मुझे रखने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे। मैं इसकी प्रोग्रामिंग आधी करूँगा, बाकी प्रोग्रामिंग आपको करना है। ये आपका ओके हो जाएगा, ये आपका डेट हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा, और उसके बाद शुरुआत में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फुल नेम। अब यहाँ पे आपको कंबाइन करना है। उसके बाद आपका मोबाइल ईमेल एड्रेस, मोबाइल एड्रेस, ओके सिटी, स्टेट, पिन मीटिंग। ठीक है, अब चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए, मैं एक बार यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे चाहिए, मैं इंसर्ट करता हूँ किसको, मॉड्यूल्स को। यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पे सेंड नाम से कोई बनाते हैं। एक ट्रांजेक्शन नंबर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, तो मैं ऐसे ही एक दिया आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन वर्कशीट फंक्शन डॉट या मैक्स, और यहाँ पे हमने दे दिया मैक्स के अंदर शीट्स, शीट्स में कौन सा डेटा, डेटा रेंज रेंज, रेंज में कौन सा कंप्लीट। ठीक एरो ओके है, ये आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज 65,000, यहाँ पे 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन, और ये कहाँ जाएगा, तो डेटा शीट में जाएगा। ओके अब मुझे डेट करना है तो मैं इसी में करूंगा। यहाँ पे मुझे करना है इसमें, मान लीजिए टाइम, इसमें अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, मतलब कि अगली कॉलम। और यहाँ सर तो ये आपका एक हो गया। छोटा सा क्वेश्चन जैसे अभी आपने 01 की ऑफसेट करके तो क्या हम लोग उसको कॉलम जैसे आपने A 65,000 लिया उसको B 65 भी ले सकते हैं ना
इसको मैं वन कॉमा जीरो कर लास्ट लास्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम नहीं बताई थी आपको मैंने, अगर एक सेल ब्लैंक हुआ तो अगली एंट्री कहाँ हो जाएगी? अच्छा वो ओके याद ओके नहीं है? भूल गए? ठीक है। अच्छा यानी कि हमें हमें मतलब वो रेंज जो कॉलम नंबर है उसको नंबर को हाँ, सेव रखना है। ए बी सी कर सकते हैं, लेकिन यही होगा कि आपका किसी कॉलम में डेटा ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अगर ब्लैंक हाँ तो लास्ट वाले की एंट्री प्रीवियस में हो जाएगी, सेकंड लास्ट एंट्री हो जाएगी। समझ गया ठीक है ओके दिस वाज द लॉजिक अंडरस्टूड अंडरस्टूड ओके आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, हमें पता है आईडी तो एंट्री होगी ही होगी, थ्री हो जाएगा। अब थ्री में आपका क्या है? फुल नेम है, अब ऐसी है आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट नेम है। तो फॉर्म में आपका फर्स्ट नेम कहाँ? सी8। E8 में ओके यहां पे आप दे सकते हैं रेंज C8 डॉट वैल्यू, ठीक है, और इसको कॉपी किया एंड पेस्ट। अब ये चौथे नंबर पे क्या है आपका? लास्ट ये आपका आ नेम जाता है E8, ये आपका E8 हो जाएगा। और आपका पांचवें ओके नंबर पे एंट्री क्या है? फुल नेम रेंज के साथ कंबाइन करना है, फुल नेम है ना, एंड स्पेस। सर समझ आया कि नहीं? कंबाइन यस यस ओके कर दिया ना, फुल नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को कंबाइन करना है। या और आपका मोबाइल नंबर है इसमें C12, तो यहाँ पे C12 हो जाएगा। ठीक है सर बाकी और कोडिंग आपका आप मैं ईमेल करके देखता हूँ आप मुझे दे दें मतलब ठीक है, मैं फाइल सेव करके देता हूँ, इसमें अधूरा क्या? हाँ मैं थोड़ा सा इस पे या मैं करता हूँ इस पे काम फिर मैं आपको कल दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या किया मैं सेव करता हूँ, भेज देता हूँ। तो इस तरह से देखिए, अभी हमारे पास कितना टाइम लगा मुझे इस फॉर्म को बनाने में? मुश्किल से 20 मिनट लगे हैं। या आप ऐसा फॉर्म किसी को भेजेंगे तो अट्रैक्टिव होगा ना सर? हाँ यार, गुरुवार करेक्ट एक्चुअली आप मतलब बिल्कुल सही है कि हाँ ये और ये हमारे काम में भी आता है काफी ऑफिस में सो या तो इसलिए मैं बोला आपको, ठीक है। और मैं आपके फाइल वापस फॉर्म वन मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके। ठीक है सर या ओके सर या